हेलो गाइस गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस आज हम बात करेंगे तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया से लाइसेंस किस तरीके से लिया जाता है। तो अगर आप तंबाकू प्रोडक्ट्स के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो वो प्रोडक्ट्स है अगर आप उसको इंडिया से बाहर सेल करेंगे, मतलब कि आप उसे एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर जो आप तंबाकू यूज करने वाले हैं वो जो नॉर्मल तंबाकू है वो यूज नहीं करेंगे, आप जो FCB तंबाकू होता है, वर्जिन तंबाकू, उसको यूज करने वाले हैं, तो इन दोनों ही केसेस के लिए आपको तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेना पड़ता है। और जो तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया में एप्लीकेशन लगाई जाती है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई जाती है, फिजिकल जो एप्लीकेशन है वो बंद हो गई है, अब फिजिकली एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाई जाएगी उसको किस तरीके से फिल करेंगे, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करनी है, आज उसी के ऊपर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं लाइव डेमो के किस तरीके से आप तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना वेब ब्राउजर पर जाऊंगा, उसमें टाइप करूंगा तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो रिटर्न सबमिट होती है हर महीने की वो रिटर्न भी इसी वेबसाइट पर जाके सबमिट होती है। अब यहाँ पे हमें करना है साइन अप। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा सा जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा आपका, और इस फॉर्म में आपको जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करके इसको करना है रजिस्टर। फ्रेंड्स ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने फिल कर दी है, अब हम इसको करेंगे रजिस्टर। फाइल शुड नॉट बी एम्प्टी, मतलब यहाँ पे हमें सारे कॉलम भरने पड़ेंगे, तो ये भी हम यहाँ पे भर देते हैं। कुछ भी लैंडलाइन नंबर है नहीं मेरे पास तो मैं ऐसे एक नंबर डाल देता हूँ, और उसके बाद हम इसको करेंगे रजिस्टर। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपकी न्यू विंडो एक ओपन होगी। तो गाइस जैसे ही आपने रजिस्टर बटन पे क्लिक करा उसके बाद हमें एक ईमेल मिल गया तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया से, और यहाँ मेल में हमें बस आ चुका है डियर आस मोहम्मद, और ये मेरी मेल आईडी है, और इस पे मेरे को वेरीफाई करना है अपना अकाउंट, फिर अपना पासवर्ड सेट करना है। तो अब हमें करना होगा यहाँ पे क्लिक करना होगा वेरीफाई करने के लिए। यहाँ से अब हम अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड सेट करेंगे, जो भी हमें पासवर्ड रखना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अब पासवर्ड टाइप करेंगे। तो गाइज हमने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दिया है, उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो हमारा पासवर्ड अपडेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अपना लॉगिन आईडी जो है हमारा मेल आईडी है, और जो पासवर्ड हमने बनाया है वो पासवर्ड, तो इनके थ्रू अब हम इसको लॉगिन करेंगे। ये डालने के बाद हम इसको साइन अप करेंगे, और जैसे ही साइन इन करेंगे तो यहाँ पे हमने पासवर्ड सेव कर दिया है। तो ये इस तरीके से हमारा जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जिस चीज़ के लिए लाइसेंस लेना है वो सारी की सारी डिटेल्स हमें अब यहाँ पर फिल करनी होगी। तो इसमें क्या डिटेल्स हैं, किस तरीके से फिल होंगी, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, एंड प्लीज अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस ये हम साइन अप कर चुके हैं वेबसाइट पे, ये हमारा डैशबोर्ड है। अब हमें यहाँ पे प्लस वाला जो बटन आ रहा है इस बटन पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद अपनी कंपनी का नाम, फर्म टाइप, फॉरन मेजोरिटी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉरेन की कोई मेजोरिटी है, मतलब हमारी शेयर होल्डिंग में 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग फॉरेन की है नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी है। अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, वेदर एसोसिएट विद एनी फर्म, क्या हम किसी फर्म से जुड़े हुए हैं वो बतानी है डिटेल, वेदर ए मेंबर ऑफ एनी रिकोगनाइज ट्रेड बॉडी, तो वो हमें डिटेल बतानी है। तो ये सारी डिटेल फिल करनी है अब हमें यहाँ पे, और फिर इसके बाद हमें सेव करना है। तो आइए हम ये डिटेल फिल करते हैं। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है, अब हम इसको सेव कर देंगे। तो गाइस ये हमारी जो कंपनी की डिटेल्स थी वो सेव हो चुकी हैं। उसके बाद फर्म की डिटेल हमें फिल करनी है, फिर कंपनी का एड्रेस, फिर बैंकर की डिटेल, अदर डिटेल, अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, तो ये सारी की सारी टैब हमें अब वन बाई वन फिल करनी है। अभी हमें अभी हमने क्या करा है कि जो कंपनी की डिटेल्स हैं वो सेव करी है, अब हम फर्म की डिटेल सेव करेंगे। उसके लिए हम प्लस आइकन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, डेजिनेशन, तो मतलब जो भी हमारा पार्टनर है या जो डायरेक्टर है या जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, अब हमें उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है सारी की सारी डिटेल्स। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें कंपनी का एड्रेस फिल करना है, जो कंपनी का कंप्लीट एड्रेस है वो फिल करना है। उसके बाद बैंकर डिटेल, तो बैंकर डिटेल मतलब जहाँ पर आपका करंट अकाउंट ओपन है
उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है, बैंक का नाम, बैंक की एड्रेस, अकाउंट कब आपने ओपन कराया था और करंट अकाउंट का नंबर क्या है आपका, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस टैब में डालनी है। उसके बाद अदर डिटेल वाले टैब में आपने अपनी जो बिजनेस है वो कब इस्टेब्लिश किया, उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट करना कब से स्टार्ट किया, आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस के अंदर, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अदर डिटेल्स में फिल करनी है। उसके बाद अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल, अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है ऑलरेडी, जैसे कि अगर सपोज करो आपने SSI मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक सर्टिफिकेट होता है वो ले रखा है, तो वो आप यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल लाइसेंस आपने कोई लिया हुआ है तो वो लाइसेंस, तो जितनी भी हमारी लाइसेंस की डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद स्टोरेज डिटेल्स, तो अगर आपका कोई गोदाम है जहाँ पर आप स्टोरेज करते हैं अपना प्रोडक्ट जो आपने बनाया है, तो स्टोरेज पॉइंट का नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स पहले हमको सेव करनी है। तो उसके जब जैसे ही डिटेल्स हमारी सारी सेव हो जाती हैं तो हमारी जो इंटरप्राइजेज है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको जो इंटरप्राइजेज है वो किस तरीके से सेव करनी है तंबाकू बोर्ड ऑफ इंडिया की साइट से। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंस के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।